ऑल राइट, तो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ रहे थे, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हमने कई सारी थ्योरम्स देख ली। हम लोगों ने सबसे पहले पिचकू थ्योरम, फिर उसके बाद परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, फिर उसके बाद पैरेलल एक्सिस थ्योरम, उसके बाद फिर आर्बिट्रेरी डायरेक्शन को साइंस के लिए प्रिंसिपल एक्सिस के टर्म्स में कैसे मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। उसके अलावा कल एक और टेक्निक बताई थी तुम लोगों को, जहाँ पे रिकर्जन यूज करते हैं, यानी सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे रेक्टेंगल को चार रेक्टेंगल्स में तोड़ के, ट्राइंगल को चार ट्राइंगल्स में तोड़ के, या क्यूब को आठ क्यूब में तोड़ के, ये सारी टेक्निक सिखाई। फिर मैंने बोला था कि फ्रैक्टल्स के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऑलमोस्ट हम एंड पे आने वाले हैं डिस्कशन के। तो आज एक बहुत ही क्रिएटिव प्रॉब्लम देखते हैं, यानी क्रिएटिव यूज विदाउट इंटीग्रेशन हमें एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेट कर देता हूं मैं। क्या क्वेश्चन है हम लोगों का? फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड कोन ऑफ रेडियस आर एंड एपेक्स टू बेस डिस्टेंस एच अबाउट वाई एक्सिस। मुझे ये सॉलिड कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसके अबाउट। तो देख के बड़ा टेम्पटिंग लग रहा होगा तुम्हें, लग रहा होगा इसमें क्या है? ये तो बिल्कुल वैसे ही जैसे सिलेंडर का निकाला था हमने। ये सिलेंडर था, सिलेंडर के लिए सुपर पोजिशन लगा दिया था, सिग्मा एम आई जेड आई स्क्वायर प्लस एक्स आई स्क्वायर, फिर दोनों टर्म्स को अलग अलग से इवेलुएट कर लिया था। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोशिश करोगे पिचकाने की तो तुम एक स्टेप पे जाके तुमको खूब बुद्धि खर्चनी पड़ेगी। ठीक है, तो थोड़ा क्रिएटिविटी लगेगी, तो मैं चाह रहा हूँ थोड़ा बुद्धि चलाओ, नहीं होगा तो फिर नहीं होगी। ठीक है, फिर डिस्कस कर दूंगा थोड़ी देर के, थोड़ी देर तक ट्राई करो, मैं सॉल्यूशन पूरा हाइड कर दे रहा हूँ। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है सभी को? प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? ये मेरे पास इसका रेडियस दे रखा है आर, और ये हाइट दे रखी है ये वाली एच, एंड से सॉलिड कोन, ध्यान रखना कैसा है कोन, ये सॉलिड कोन, और इस वाले एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। क्लियर है ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट? ठीक है, तो अभी इसको खुद से ट्राई करो, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, टेक सम टाइम, देखते जाओ। ये मस्त है ये क्वेश्चन, देखना मजा आएगा। यानी देखोगे एक स्टेप पे लगेगा कि फंस गया, लेकिन फिर निकलेगा, देखना मस्त तरीके से निकलेगा। तो ध्यान से देखते जाओ इसको। तो देखो ये आइडिया तो हम पहले यूज कर चुके हैं, आई अबाउट वाई एक्सिस क्या होगा, सिग्मा एम आई एक्स आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर, और इसको मैंने दो टुकड़ों में तोड़ लिया, सिग्मा एम आई एक्स आई स्क्वायर प्लस सिग्मा एम आई जेड आई स्क्वायर। यहाँ तक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिलेंडर के लिए भी किया था, हॉलो कोन के लिए भी किया था। ठीक है, अब इन टर्म्स को इवेलुएट कैसे कर रहे हैं? तो क्या लिखा मैंने, नाउ वी विल ट्राई टू इवेलुएट द टू टर्म्स यूजिंग सुपर पोजिशन। सपोज वी स्क्वीज द कोन ब्रिंगिंग ऑल द पार्टिकल्स टू एक्स एक्सिस मेंटेनिंग देयर एक्स कोऑर्डिनेट्स, तो देन सिग्मा एम आई एक्स आई स्क्वायर विल स्टिल रिमेन द सेम। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके सारे पार्टिकल्स को हम एक्स एक्सिस पे अगर लेके आऊँ तो एक्स कोऑर्डिनेट मेरा मेंटेन है, तो फिर क्या बन जाएगा, ये तो मेरी एक रॉड बन जाएगी, है ना, रॉड बन जाएगी जिसकी मास डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, तो मास डेंसिटी उसकी एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। क्या ये देख पा रहे हो? क्योंकि अगर एक्स डिस्टेंस पे देखोगे तो रेडियस एक्स के प्रोपोर्शनल होगा, तो इसका एरिया जो होगा एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, तो एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल मेरी रॉड बनेगी, राइट, एन टू द पावर टू वाला फॉर्म। ठीक है, तो रॉड के सिंप्लीफिकेशन वाला आइडिया अगर यूज करें तो सिग्मा एम एक्स आई स्क्वायर पे क्या हो जाएगा, 2+1/2+3 इंटू एम एक्स स्क्वायर, तो वो तो हो गया 3/5 mx2। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, सीधे सीधे हो गया। ठीक है, अच्छा अब क्या कर रहा हूँ, नाउ सपोज वी स्क्वीज द कोन टू मेक एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पार्टिकल्स जीरो व्हाइल मेंटेनिंग वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स। अब क्या ऐसे पिचका रहा हूँ कि सबका एक्स कोऑर्डिनेट में जीरो कर दे रहा हूँ और वाई और जेड कोऑर्डिनेट सेम रख रहा हूँ। समझ में आया क्या किया मैं? इसको बेसिकली वाई जेड प्लेन में लेके आ गया। अभी क्या होगा, डिस्क बनेगी लेकिन नॉन यूनिफॉर्म डिस्क बनेगी। सोच के देखो, यहाँ पे तो इतने सारे पार्टिकल्स इकट्ठे हुए, यहाँ पे तो, लेकिन यहाँ पे अगर देखो तो इतने से इतनी थिकनेस के पार्टिकल्स इकट्ठे हुए यहाँ पे, तो ये डिस्क तो बन गई लेकिन एक नॉन यूनिफॉर्म डिस्क बनी, जिसके सेंटर पे मास डेंसिटी ज्यादा है और किनारे पे मास डेंसिटी कम है, राइट। ठीक है, तो क्या लिखा, तो हाँ, तो वाई जेड कोऑर्डिनेट, तो सिग्मा एम आई जेड आई स्क्वायर जो है अभी भी मेरा सेम होगा और ये डिस्क बना ली मैंने। ठीक है, अब क्या करना है डिस्क का, वो सोचते हैं। अभी डिस्क बना ली, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ सिग्मा एम आई जेड आई स्क्वायर सेम है। ठीक है, एंड वी आर लेफ्ट विद अ नॉन यूनिफॉर्म डिस्क। अब ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्क को क्या करना है, नाउ द चैलेंज इज टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस नॉन यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट वाई एक्सिस। इस नॉन यूनिफॉर्म डिस्क का अगर वाई एक्सिस के अबाउट निकल गया तो मेरा काम बन जाएगा, राइट। अब एक इंटेलिजेंट आइडिया सुन, इस नॉन यूनिफॉर्म डिस्क का वाई एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस नॉन यूनिफॉर्म डिस्क का जेड एक्सिस के अबाउट भी होगा, और इन दोनों का जो सम होगा वो एक्स एक्सिस के अबाउट होगा। तो जैसे मैंने इस डिस्क को पिचकाया है, इसको वापस मैं खींच देता हूँ, ठीक है, पिचकू थ्योरम की जगह रिवर्स पिचकू लगा रहा हूँ मैं, पिचकू थ्योरम लगा रहा हूँ। तो क्या होगा, इस एक्सिस और इस एक्सिस के अबाउट जो सम है दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, और अगर मैं इसको खींच के दोबारा से कोण बना दूं तो सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा, बोलो। तो इसका मतलब क्या कह सकता हूँ, एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का जो सम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, सो खींच दूंगा तो वापस कोण अबाउट एक्स एक्सिस, तो वो तो 3/10 mr² बन जाएगा, है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या, वाई और जेड एक्सिस का जो सम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वो क्या 3/10 mr² है, तो इंडिविजुअली वाई और जेड एक्सिस के अबाउट कितना 3/20 mr²
बात समझ आएगी नहीं? तो दिस इज वन क्वेश्चन जहां पे खिचपू लगानी पड़ती है। नॉर्मली तो हम हमेशा पिचकाते ही हैं, यहाँ पे पहले पिचकाया और उसके बाद दोबारा खींचा हूँ। समझ में आया कैसे क्रिएटिविटी हम लगा रहे हैं यहाँ पे? पहले पिचका दिया, पिचकाने के बाद नॉन यूनिफॉर्म डिस्क का स्केयर बोर्ड चाहिए था, तो जो जो स्केयर बोर्ड है वही स्केयर बोर्ड है, इन दोनों का सम एक्स एक्सिस स्केयर बोर्ड और एक्स एक्सिस स्केयर बोर्ड वापस खींच के निकाल ही सकते हैं, वो नॉन रिजल्ट है 3/10 एम आर स्क्वायर। बात समझ आई? तो ये लिखा मैंने, क्या लिखा? नाउ द चैलेंज इज टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस नॉन यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट वाई एक्सिस। नाउ फॉर दिस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स बाई टू, इतना कह सकते हैं, ठीक है। टू फाइंड आई एक्स वी स्ट्रेच द डिस्क बैक अलॉन्ग एक्स एक्सिस टू फॉर्म द सॉलिड कोन अगेन। नाउ आई एक्स फॉर दिस मस्ट बी 3/10 एम आर स्क्वायर, उसको खींच के दोबारा से कोन बन गया वो 3/10 एम आर स्क्वायर। तो इसका मतलब आई वाई इक्वल टू आई जेड इक्वल टू क्या होगा? 3/20 एम आर स्क्वायर। तो यही मेरा रिक्वायर्ड टर्म हो गया जो दूसरा वाला था, राइट? ठीक है, तो क्या लिखा मैंने, दस इवैल्यूएटेड द रिक्वायर्ड सेकंड टर्म, ठीक है, अकॉर्डिंगली रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3/20 एम आर स्क्वायर प्लस 3/5 एम एच स्क्वायर, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, एक बार इसको देख लो, अगर कुछ डाउट तो मेरे को बोल सकते हो अभी। इसके बाद मैं आगे बात करता हूँ, ये कोई बहुत स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन कहीं कहीं पे किसी किसी प्रॉब्लम में फायदा होता है इस कॉन्सेप्ट का। जहां पे मैं बात कर रहा हूँ, इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम फिक्स्ड एक्सिस सिस्टम। अब ये मतलब क्या है, देखो मान लो ये कोई व्हील है, ये हमारा कोई व्हील है, ठीक है, और इस व्हील के साथ में यहाँ पे धागा लपेट लपेट के मैंने एक ग्लोब बनाया होगा, ठीक है। तो अब मैं अगर खाली व्हील को घुमाता तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती, राइट? अभी क्या है, क्योंकि ब्लॉक भी चलेगा, अगर ये व्हील घूमेगा तो ब्लॉक भी ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या आ जाएगा, व्हील की काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी और प्लस इस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी, ठीक है। तो मैं अब टोटल काइनेटिक एनर्जी को मैं सिर्फ मान लो एक ही टर्म से लिखना चाहता हूं, तो मैं टोटल काइनेटिक एनर्जी को मान लो लिखना चाहता हूं हाफ आई इफेक्टिव इंटू ओमेगा स्क्वायर। इतना तो समझ में आएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी ओमेगा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी, क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी ओमेगा के प्रोपोर्शनल होगी। समझ में आ रही बात? करनी तो इसका मतलब क्या, अगर सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम का मतलब क्या होता है, एक हील को जितना कुछ एंगल से घुमा दिया उससे पूरे सिस्टम के हर पार्टिकल का मोशन सेट हो गया, राइट? यानी ऐसा नहीं कि एक 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 पार्ट अलग से घूम रहा है और दूसरा बिल्कुल इंडिपेंडेंटली कुछ और मोशन हो सकता है। सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम मतलब होता है कि एक चीज को घुमा दिया तो बाकी चीजों का मोशन जो अपने आप फिक्स हो गया, जैसे इसमें व्हील का मोशन फिक्स करते ही इसका मोशन अपने आप फिक्स हो गया, तो दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट अ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। तो जब भी सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम होगा तो व्हील की काइनेटिक एनर्जी भी ओमेगा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी और उससे जुड़ी हुई जितनी भी चीजें उन सबकी भी काइनेटिक एनर्जी ओमेगा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी, यानी सिस्टम एज अ होल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ओमेगा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। तो जो भी काइनेटिक एनर्जी आती है उसको क्या करते हैं, हाफ आई इफेक्टिव इनटू ओमेगा स्क्वायर से इक्वेट करते हैं, तो जो आई इफेक्टिव की वैल्यू आती है वो मेरा कहलाता है इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसकी जरूरत क्या कहां पड़ेगी, एक्चुअली हम बाद में सिस्टम के एंगुलर एक्सीलरेशन वगैरह निकालेंगे तो हम क्या कर सकते हैं कि पावर डेवलप्ड बाय फोर्सेस, जैसे इसमें देखोगे तो ग्रेविटी का कुछ पावर डेवलप हो रहा होगा, तो ग्रेविटी का जो पावर डेवलप्ड होगा वो क्या होगा, सिस्टम का रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा, राइट? तो अगर काइनेटिक एनर्जी को मैंने हाफ आई इफेक्टिव इनटू ओमेगा स्क्वायर लिखा, बहुत ध्यान से सुनना, थोड़ी सी मैथ्स बोल रहा हूँ, यू विल हैव टू कंसंट्रेट। मान लो मैंने काइनेटिक एनर्जी को बोला हुआ हाफ आई इफेक्टिव इनटू ओमेगा स्क्वायर, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, आई इफेक्टिव इनटू ओमेगा इनटू डी ओमेगा बाय डीटी। समझ में आ रही बात के लिए, अगर काइनेटिक एनर्जी हाफ आई इफेक्टिव इनटू ओमेगा स्क्वायर है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, आई इफेक्टिव इनटू ओमेगा इनटू डी ओमेगा बाय डीटी, राइट? और डी ओमेगा बाय डीटी क्या, मेरा एंगुलर एक्सीलरेशन, और रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, दिस शुड बी इक्वल टू द पावर डेवलप्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस, राइट? तो यहाँ पे अगर देखोगे तो एम जी फोर्स लग रहा है और इसका पावर डेवलप क्या होगा, अगर ये रेडियस आर है तो एम जी इनटू ओमेगा आर इसका पावर डेवलप हो जाएगा, राइट? तो ये पावर डेवलप को मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट कर लूंगा और तुम देखोगे कि यहाँ पे भी ओमेगा आ रहा है, तो ये ओमेगा उधर गया था, तो तुम्हारा आई इफेक्टिव इनटू ओमेगा इनटू डी ओमेगा बाय डीटी आया था, तो ओमेगा ओमेगा कैंसिल होकर दिख रहा है, एंगुलर एक्सीलरेशन सीधे सीधे मिल जाएगा। तो इसी दिन के लिए मैं आई इफेक्टिव डिफाइन कर रहा हूँ ताकि मेरे को अलजेब्रा अवॉइड करके मैं अरिथमेटिक में ही काम करके काइनेटिक एनर्जी निकाल सकूं, ठीक है? अभी करके दिखाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगी बात, ठीक है? थोड़ा सा वेट कर लो, अगर नहीं समझ में आया तो टेंशन ना लो, बहुत अच्छे से क्लियर होगी बात, एक दो एग्जांपल भी करेंगे, ठीक है? तो अभी पढ़ लेते हैं क्या लिखा। Many times we come across systems in which we have a body rotating about a fixed axis connected to other elements through strings, belts and planks etc. ठीक है, ये भी हो सकता है, इसके ऊपर से प्लैंक लगा दिया तो ये घूम रहा, तो प्लैंक आगे बढ़ रहा है, तो प्लैंक का मोशन जो इसके व्हील के मोशन से सेट हो गया, अगर स्लिप नहीं कर रहा तो समझ में बात करी, प्लैंक हो सकता है या फिर इसके साथ हो सकता है बेल्ट बांध दिया, तो बेल्ट का भी मोशन जैसे ये घूम रहा है तो बेल्ट का मोशन फिक्स होगा। तो ऑल दीज थिंग्स विल बी कॉल्ड सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, जहां पे एक व्हील का मोशन बाकी सारे मोशंस को गवर्न कर रहा है, एक बॉडी का मोशन जब सारे बॉडीज के मोशन को गवर्न कर रहा होता है, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम।
तो जब भी सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है तो सिस्टम पूरे की काइनेटिक एनर्जी वो ओमेगा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर इंटू हाफ आई इफेक्टिव के बराबर। काइनेटिक एनर्जी को इक्वेट करेंगे तो जो आई इफेक्टिव की वैल्यू आती है वही मेरा इफेक्टिव मोमेंटम एनर्जी, ठीक है। क्या लिखा, द सिस्टम इज सेड टू बी ऑफ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम इफ द एंगुलर पोजिशन ऑफ द रोटेटिंग मेंबर्स ऑटोमेटिकली फिक्सेस द पोजिशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द सिस्टम। फॉर सच सिस्टम्स इफ ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटेटिंग मेंबर देन वी डिफाइन इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूजिंग काइनेटिक एनर्जी एज के इज इक्वल टू हाई हाफ आई इफेक्टिव इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओके, हाफ आई इफेक्टिव इंटू ओमेगा स्क्वायर। फॉर इंस्टेंस इस फिगर में क्या हो जाएगा, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील मान लो आई है, ठीक है, ये व्हील का जो है इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। ओके, नाउ सपोज द व्हील इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा देन व्हील ऑफ स्मॉल एम, तो देन वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम क्या हो जाएगा, दैट विल बी ओमेगा इनटू कैपिटल आर। अगर ये डिस्टेंस मैंने कैपिटल आर लिया हुआ है, ये जो एरो से दिख रहा है ना ये डिस्टेंस, दिस इज कैपिटल आर, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ओमेगा इनटू कैपिटल आर हो जाएगी, राइट, ठीक है। ओके, हाँ, तो अकॉर्डिंगली काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम इंटू ओमेगा आर का होल स्क्वायर, यानी हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो नेट काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ आई प्लस एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो इसका इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, आई प्लस एम आर स्क्वायर हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई बात समझ में कि नहीं, ठीक है, ठीक है। दस बाय कंपेयरिंग विद इक्वेशन वन, आई इफेक्टिव क्या हो गया, आई प्लस एम आर स्क्वायर हो गया, ये मेरा इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। हियर एम इज बिहेविंग एज इफ इट वर अटैच टू द रिम ऑफ द व्हील एंड दैट गेव अस अ क्विक वे ऑफ फाइंडिंग द इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला फाइनली मेरे पास आया है वो फॉर्मूला कैसा है, जैसे कि ये जो मास है ये मास एज ए व्हील के साथ जुड़ा ही होता है, इज इट नॉट। तुम देख सकते हो कि स्ट्रिंग लेंथ छोटी हो बड़ी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये मास अगर इसके साथ चिपका भी होता तो भी तो यही वेलोसिटी होती ना, स्लिपिंग तो हो नहीं रही, तो स्ट्रिंग के हर पार्टिकल की वही वेलोसिटी है जो रिम के पार्टिकल की वेलोसिटी, यही होता है ना नो स्लिपिंग का मतलब। तो जो वेलोसिटी इस पार्टिकल की है वही वेलोसिटी इस पार्टिकल की है, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इफेक्टिव इस पार्टिकल का वही इसका है, ठीक है नहीं। हालांकि ये बहुत सिंपल केस में सीधे ऐसे इसको चिपका सकते हो, कॉम्प्लिकेटेड केस हो सकते हैं जहां पर सीधे सीधे ऐसे नहीं कर पाओगे, जहां पे एक सिंगल मास सीधे एक एक धागे से सिंगल सिंगल मास बन रहा है तो वहां पे ऐसा कर सकते हो कि ऐसे जैसे मान सकते हो जैसे कि यहाँ पे चिपका हुआ है। मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ जहां पे इसको सीधे सीधे चिपका हुआ नहीं मान सकते। फॉर एग्जांपल मान लो ये ऐसे ना होकर थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ सिस्टम को, मान लो यहाँ पे ऐसे करके ऐसे पुली जा रही होती और यहाँ पे ऐसे ऐसे करके ये होता, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये मान लो मास एम लटका होता तब फिर थोड़ी ना इसका यहाँ पे इसको इसके साथ मान लेते, तो हमें पता है इस पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ और होगी, इस पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ और होगी, अगर इस पार्टिकल की वेलोसिटी वी होगी तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी वी बाई टू होगी, इधर टू। तो हाँ ये जरूर है इसकी चीज ऐसे बिहेव करेगा जैसे यहाँ पे एम बाई टू लग दिया, बट समझ में आ रही बात की नहीं, आइडिया समझ में आ रहा है, मतलब डेफिनेशन जो है वो काइनेटिक एनर्जी से फॉलो हो रही है, ठीक है। वो बात अलग है कि जहाँ पे सिंपल सिंपल बॉडी सीधे सीधे चिपका हुआ तो काइनेटिक एनर्जी वही होगी जो रिम के पार्टिकल की वेलोसिटी होगी, उसके हिसाब से काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, आई बात समझ में, ठीक है ना, ठीक है। तो यही लिखा मैंने, तो ठीक है कैसे बिहेव कर रहा है, जैसे कि आई ये मास जो है एज इफ इसके रिम के साथ में ऐसे ही चिपका ही हो, ऐसे इस तरह से बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो एक स्टूडेंट बोल रहा था, इनफैक्ट यूट्यूब पे मुझे फॉलो भी करता फाइव मैट हैंडल करके, तो वो बोला था कि इसका सर नाम रख दो, इसको नाम रख दो चिपकू, जैसे खिचकू नाम रहते हैं इसलिए चिपकू, कि ये मास जो ऐसे करके ऐसे चिपक गया, ठीक है नहीं। बट ठीक है, समझ में आई बात की नहीं, ये टेक्निक ही है, यानी इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करके कुछ कुछ याद है, जैसे हमने एक क्वेश्चन ये नहीं किया था वहां पे पुलिंग फोर्स मेथड लगाते थे, जहां पे अलजेब्रा अवॉइड करने के लिए एक्सेलरेशन निकालने के लिए करते हैं नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय नेट मास बीइंग पुल्ड। तो यहाँ पे भी कहीं कहीं पे हम उसी तरह का कुछ काम करेंगे कि नेट टॉर्क डिवाइड बाय इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस टाइप की चीज हम कर पाएंगे, तो देखेंगे आगे जैसे जैसे क्वेश्चन कर। बट अभी ये समझ में आया इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या, और एग्जाम्पल क्लियर है, अगर क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। लेट मी नो इफ देयर इज एनी डाउट इन दिस। हाँ इनफैक्ट इसको करेक्ट मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे ये एम बाई फोर के इक्विवेलेंट आएगा। एक्चुअली खुद सोच के देखो जरा, अगर ऐसे करके ऐसे पुली है, ये अगर वी स्पीड से चल रहा है तो ये वाला जो ब्लॉक होगा अगर ऐसे ये बंदा है तो ये v बाई टू से जा रहा होगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या आएगा, हाफ इंटू एम इंटू वी बाई टू का स्क्वायर, यानी हाफ एम वी स्क्वायर इंटू वन बाई फोर आ रहा है, तो उसको अगर हाफ एम इफेक्टिव इंटू वी स्क्वायर लिखना चाह रहे हो तो मास जो होगा एम बाई फोर हो जाएगा तुम्हारा, तो यहाँ पे एम बाई फोर जैसा वो बिहेव करेगा, ठीक है। तो ध्यान से करना, मतलब कहीं से भी डाउट है तो काइनेटिक एनर्जी से ही डेफिनेशन लेनी है, कई बार कंस्टेंट कंस्टेंट लगा के सीधे सीधे चिपका दोगे मास तो गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान से सोचना उसको। क्लियर है ना, लेकिन मीनिंग मोमेंट इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया का काइनेटिक एनर्जी यूज करके, ठीक है, आराम आराम से सोच सोच के ही कर, ठीक है, जल्दबाजी में गलत नहीं कर देना। क्लियर है सभी को। तो अगला आइडिया क्या है हम लोगों का, अगला आइडिया फाइंडिंग एंगुलर एक्सेलरेशन यूजिंग इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करके जल्दी से कैसे हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, तो वो चीज देखते हैं।
तो यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम वी नो दैट पावर डेवलप्ड ऑन एनी सिस्टम इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पावर क्या है? काइनेटिक एनर्जी का रेट ऑफ चेंज। तो इसका मतलब क्या, पावर क्या होगा? डी बाई डी टी ऑफ हाफ आई इफेक्टिव ओमेगा स्क्वायर सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के लिए। रहो इसको मैंने क्या लिख लिया, आई इफेक्टिव ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी टी, विच इज आई इफेक्टिव ओमेगा इंटू अल्फा, राइट? ठीक है, हाँ। तो ये क्या हो गया, आई इफेक्टिव इंटू ओमेगा इंटू अल्फा, ये हो गया ना पावर। तो इसका यूज करके इसका मतलब अल्फा क्या हो जाएगा, पी अपॉन आई इफेक्टिव इंटू ओमेगा हो जाएगा, राइट? और इनफैक्ट पावर को कई जगह पे टाउ इंटू ओमेगा लिख पाओगे, जहां पे मतलब कई जगह पे ऐसा लिख पाओगे पावर, जैसे फोर्स इंटू वेलोसिटी लिख पाते नहीं पावर को, ऐसे टॉर्क का अगर पावर लिखना होता तो कई जगह पे टाउ इंटू ओमेगा ही सिंपली सिंपली बन जाएगा। ठीक है, तो बस तो टाउ अपॉन आई इफेक्टिव जैसा भी बन जाएगा कहीं कहीं पे, बाकी ये बेसिक इक्वेशन है, ये ध्यान रखना, पावर अपॉन आई इफेक्टिव इंटू ओमेगा, और पावर जो होगा अक्सर ओमेगा के प्रोपोर्शनल होगा, तो ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो गया, अल्फा जल्दी से निकल जाएगा। एक एग्जांपल लेंगे तो और अच्छे समझ में आएगी आएगी बात। तो ये अभी समझ में आ रहा है ना क्या किया हमने, पावर डिवाइडेड बाय आई इफेक्टिव इनटू ओमेगा मेरा एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक, इन मोस्ट प्रॉब्लम्स द पावर डेवलप्ड विल बी प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ ओमेगा। तो यहाँ पर भी ओमेगा समथिंग इनटू ओमेगा आएगा, और ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो गए, ओमेगा विल कैंसिल आउट, एंड इन द क्वेश्चन इन द आरएचएस तो सीधे मेरे पास अल्फा कुछ कॉन्स्टेंट जैसा आ जाएगा, अगर पावर ओमेगा विल प्रोपोर्शनल टू द। तो अभी यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, देखो क्या क्वेश्चन है, इन द शोन सिस्टम थीटा इज स्मॉल इनफ सो दैट ब्लॉक ऑफ मास एम मूव्स डाउनवर्ड्स। तो ये थीटा छोटा ही है, तो स्मॉल एम जो नीचे की तरफ जा रहा है, इसमें ये डाउट हो सकता था ना कि ये नीचे जा रहा है या ये नीचे जा रहा है, हालांकि आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस की बात है। ठीक है, लेकिन ठीक है, अभी सोचने के लिए मान लो कि थीटा छोटा ही है, ताकि ये स्मॉल एम नीचे जा रहा है और थ्री एम जो है ये अप द इंक्लाइन जा रहा है, सब चीज फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, और रस्सी इसके ऊपर लपेट रखी, समझ में आ रहा है ना, डबल स्टेप पुली है। ओके, और क्या बोला है, हाँ, फाइंड पार्ट है एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द व्हील। एक तो इस व्हील का एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, और व्हील का खुद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दे रखा है, 2mr2। ओके, व्हील का एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, और क्या, एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m निकालना है, और क्या निकालना है, टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टेड टू स्मॉल m, यहाँ पे टेंशन निकालनी है, और डी पार्ट क्या है, टाइम टेकन बाय स्मॉल m टू हिट द ग्राउंड। तो ये स्मॉल m जो कितने टाइम बाद जमीन से छू जाएगा ये निकालना है। ठीक है, हाँ, अगर अगर ये एंगल छोटा नहीं होता तो क्या पता ये ऊपर ही चला जाता, फिर डी क्वेश्चन रिटेंड हो जाता, फिर कभी छूता ही नहीं जमीन को। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, देखो जरा इसमें पावर कौन डेवलप कर रहा है, यहाँ पे ग्रेविटी, यहाँ पे पावर डेवलप कर रही है, इसके ऊपर कुछ पॉजिटिव पावर डेवलप कर रही होगी, ग्रेविटी कितना पावर डेवलप करेगी सोच के देखो, अगर इसकी वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, राइट? तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो इसकी लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 3ωr हो जाएगी, बोलो, नो स्लिपिंग की वजह से। तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, एम जी इंटू 3ωr नीचे की तरफ, इसके ऊपर पावर डेवलप पॉजिटिव हो जाएगा ग्रेविटी का, और इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए जो वेलोसिटी हो जाएगी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी तुम्हारा ये रेडियस कितना है, सॉरी ये 3r था, वो गलती से बोल दिया, ये 5r था, तो वो 5ωr है। ठीक है, समझ गए ना, इसके लिए क्या हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 3ωr, समझ में आ रही बात, और एम जी का कॉम्पोनेट इस तरफ कितना लग रहा होगा तुम्हारा, एम जी साइन थीटा लग रहा होगा, तो एम जी साइन थीटा इंटू 3ωr विद नेगेटिव साइन, क्यों, क्योंकि ये इधर जा रहा होगा और फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा, समझ में आई बात की नहीं। तो एम जी का पावर देख लिया हमने, ठीक है, इसके एम जी का और इसके एम जी का जो पावर है वो पावर पता चल गया, और पावर डिवाइड बाय आई इफेक्टिव इनटू ओमेगा कर देंगे तो मेरे पास एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा, समझ में आई बात। तो इसको यूज करके अभी जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करो। अच्छा, बाकी पार्ट्स कैसे निकलेंगे, अल्फा तो समझ में आया कैसे निकालना है, पावर डिवाइड बाय आई इफेक्टिव इनटू ओमेगा करके, फिर क्या पूछा है, एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम, तो वो क्या तुम्हें पता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो बराबर ही होता है, तो ये कितनी दूरी पे चिपका, ये 5r दूरी पे चिपका, तो 5r इनटू अल्फा इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा, राइट, लीनियर एक्सेलरेशन। फिर क्या पूछा, टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो क्या करोगे, इसके नीचे mg लग रहा है, ऊपर टेंशन t लग रहा है, तो mg माइनस t इक्वल टू ma करके इसका टेंशन भी निकल जाएगा, राइट। और क्या पूछा है, कितने टाइम बाद ये ग्राउंड को हिट करेगा, तो तुम्हें पता है अगर g से गिर रहा था तो रूट टू एच बाई जी टाइम लगता, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट टू एच बाई ए टाइम हो जाएगा अगर a से गिर रहा है तो। ठीक, तो इसको कंप्लीट कर लो, सारे पार्ट्स जल्दी से खत्म कर लो, इसके बाद आगे बात करें, ट्राई करो, कोई डाउट है तो मुझे बोल दो। हाँ, तो देखो यहाँ पे जब भी तुम्हें इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो सोचो कि व्हील के किस पॉइंट पे इसको मैं पेस्ट कर दूं कि सेम काइनेटिक एनर्जी हो जाए, समझ में आई बात के लिए, इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। तो यहाँ पे अगर ये देखो तो ये इसको तो यहीं पे पेस्ट कर दो, ठीक है ना, ऐसे यहाँ पे ये जो इसको यहीं पे पेस्ट कर दो तो सेम ही काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि इस पार्टिकल की जो होगी वही इसकी भी वेलोसिटी है, तो समझ गए। तो एज गुड एज दिस इज नाउ फॉर इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस बिहेविंग एज इफ ये यहाँ पे चिपका हुआ है, ये कैसे बिहेव कर रहा है, एज इफ ये यहाँ पे चिपका हुआ है, राइट। तो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका खुद का तो 2mr2 है, और प्लस 3m का क्या है, 3m का ये 5 3m जो कितने डिस्टेंस पे चिपका है, 3r डिस्टेंस पे चिपका है, तो 3m इनटू 3r का स्क्वायर प्लस m इनटू 5r का स्क्वायर, 54mr2 मेरा इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। फेयर इनफ, समझ में आया इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
फेरेड एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, समझ में बात के लिए। नाउ इफ द व्हील रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, पावर डेवलप्ड बाय ग्रेविटेशन फोर्सेस क्या होगा? इसका हो जाएगा एमजी इंटू फाइव ओमेगा, ठीक है, और उसका क्या हो जाएगा थ्री एम जी साइन थीटा इंटू ये क्या हो जाएगा थ्री ओमेगा विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्यों? ये ऐसे जा रहा है और फोर्स मेरा एम जी साइन थीटा नीचे लग रहा है, राइट। तो ये मेरा पावर हो गया ग्रेविटी का, राइट। तो इफेक्टिवली अगर एड करोगे तो एम जी ओमेगा आर इंटू फाइव माइनस नाइन साइन थीटा, राइट। अब ये दिख रहा है पावर भी ओमेगा के प्रोपोर्शनल है और काइनेट, और वो जो इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो भी मेरा ओमेगा के, सॉरी नॉट इफेक्टिव, इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बोल रहे थे, पावर डिवाइड बाय आई ओमेगा करना। हाँ, तो इधर भी ओमेगा से डिवाइड करोगे तो पी डिवाइड बाय आई ओमेगा करोगे तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो रहा है, राइट। तो कैलकुलेट करके क्या आ गया मेरा फाइव माइनस नाइन साइन थीटा जी बाय 54 आवर आ गया, समझ में आई बात की नहीं। इसको हम चाहते तो टॉर्क बाय इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कर ही सकते थे। यहाँ पे देखो ऑल्दो टॉर्क हमेशा सीधे सीधे विजिबल नहीं होगा, कई बार इस केस में तो सीधे सीधे दिख रहा है। देखो यहाँ पे ग्रेविटी का टॉर्क क्या है, ये एम जी इंटू फाइव आर है, राइट, और इधर क्या है एम जी साइन थीटा इंटू थ्री आर है विद नेगेटिव साइन, ठीक है। ये वाला टॉर्क जो है तुम्हारा ये कैसा है, ये तुम्हारा एंटी क्लॉक वाइज टॉर्क है, और वो वाला जो टॉर्क है तुम्हारा वो क्लॉक वाइज टॉर्क है, समझ गए कि नहीं। तो हम ये भी कर सकते थे कि इफेक्टिव टॉर्क डिवाइडेड बाय इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हम चाहते तो कर सकते थे, लेकिन वापस मैं बोलूंगा कई बार इफेक्टिव टॉर्क सीधे सीधे विजिबल नहीं होगा। ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम थी, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होगी तो उसमें सीधे सीधे टॉर्क नजर नहीं आएगा। तो जहां पे भी जरा सी भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम दिख रही है तो देन गो फॉर एनर्जी मेथड। एनर्जी मेथड मतलब पावर वाला जो मेथड है, पावर डिवाइडेड बाय आई इफेक्टिव इनटू ओमेगा, दैट विल बी योर एंगुलर एक्सीलरेशन, यू विल नेवर गो रॉन्ग विद दैट, ठीक है। इसमें तुम लोगों को कहीं कहीं पे दिक्कत आ सकती है, सीधे सीधे नजर नहीं आएगा टॉर्क के एलिमेंट, ठीक है। सो ठीक है, तो ये तो मेरा क्या आ गया अल्फा आ गया। अब अल्फा आ गया तो एम का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू फाइव आर कर दिया, समझ गए, वो जो भी है वो ही आ जाएगा तुम्हारा कैलकुलेट करके। और अब टेंशन निकालना है तो एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए लगा दिया तो उससे मेरे पास टेंशन की ये वैल्यू आ गई, ठीक है। और टी नॉट मान लो टाइम है टू हिट द ग्राउंड, तो हाफ इंटू एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम इंटू टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर को एच के बराबर लिख सकते हैं। So, T नॉट क्या आ जाएगा, रूट टू एच बाई ए एम आ जाएगा, वेयर ए एम इज दिस। मैंने इसको पूरा खोल के लिखा नहीं बट समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक बार देख लो, ये इंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन है, इसमें अगर जरा भी डाउट है तो मुझे बोल सकते हो, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हमेशा ये सोचो कि व्हील के ऊपर कहाँ पे मैं इसको डाल दूं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी वही हो जाए जो एक्चुअल है काइनेटिक एनर्जी, व्हील के किस पॉइंट से मैं इसको लगा दूं सेम काइनेटिक एनर्जी आएगी, समझ गए, सेम वेलोसिटी या सेम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। व्हील के किसी ना किसी पॉइंट की तो सेम वेलोसिटी होगी ना, वहां पे इसको लगा के सेम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके हिसाब से निकाल सकते हो व्हील के एक्सल के लिए, राइट, समझ में ही बात करनी। तो वेलोसिटी से डायरेक्टली देख सकते हो, तो मैं आइडेंटिफाई करना है व्हील के किस पॉइंट की सेम वेलोसिटी जो मेरे गिवन ब्लॉक की वेलोसिटी, अगर वो ट्रांसलेशनल है। हाँ, अगर वो रोटेट कर रहा है जैसे मान लो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम है तब फिर और सोचना पड़ेगा। जैसे मान लो ऐसा भी हो सकता है, जैसे ये कोई पुली है, ध्यान से देखना अभी जरा, ये कोई पुली है यहाँ से धागा जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एक और स्टिक लगी हुई है। अब यहाँ पे इधर एक ब्लॉक लगा हुआ है, तो अब इस स्टिक के लिए सीधे एक सिंगल पॉइंट की वेलोसिटी देख के काम नहीं बनने वाला। इस स्टिक की काइनेटिक एनर्जी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, घूम रही है ना, सिंगल पॉइंट तो है नहीं। अगर सिंगल पॉइंट मास होता तो उसको कहीं ना कहीं चिपका देते, अब इसको सीधे सीधे थोड़ी चिपका पाओगे। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का लॉजिक से देखना पड़ेगा कि समझ गए, यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद द काइनेटिक एनर्जी लॉजिक, क्या हाँ आई इफेक्टिव इनटू ओमेगा स्क्वायर इज द काइनेटिक एनर्जी। कभी भी जरा भी डाउट है, कहीं सिंपल सिंपल सा सीधे सीधे नहीं दिख रहा है, तो डोंट सीक टू कोई शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश, मतलब नहीं सोचो, ऑलरेडी शॉर्टकट बना हुआ है, बस काइनेटिक एनर्जी केयरफुली कैलकुलेट कर लेंगे काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन, ठीक है। ऑलरेडी ये काफी शॉर्टकट है, पावर डिवाइड बाय ओमेगा, क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ सकते, ठीक है, कुछ डाउट तो नहीं इसके अंदर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पावर ऑफ अ टॉर्क। जैसे पावर ऑफ अ फोर्स क्या होता है, एफ डॉट वी होता है ना। तो अब मैं टॉर्क की पावर निकालना चाहता हूँ, कोई फिक्स एक्सिस पे फिक्स एक्सिस रोटेशन चल रहा है और उस एक्सिस के बोर्ड अगर कोई भी टॉर्क लग रहा है उसकी पावर कितनी होगी, तो वो मैं प्रूव करने जा रहा हूँ। तो देखो क्या लिखा, रिकॉल दैट पावर डेवलप्ड बाय फोर्सेस एफ डॉट वी, राइट। नाउ इन केस ऑफ फिक्स एक्सिस रोटेशन वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा क्रॉस आर हो जाती है, राइट। अगर ओमेगा से घूम रहा है मेरा व्हील, किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ओमेगा क्रॉस आर एज प्रूव्ड इन प्रीवियस सेक्शन, ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं, फिक्स एक्सिस रोटेशन में ओमेगा क्रॉस आर होती है वेलोसिटी, राइट। Just power delivered by force can be written as F dot omega cross r. Fair enough. F dot v लिखना तो F dot omega cross r भी लिख ही सकते हो. Now this is a scalar triple product of F omega and r, which represents the volume of a parallel pipe defined by these three vectors. समझ रहे हो? F dot omega cross r क्या है? ये volume of a parallel pipe है. याद करो, scalar triple product जब मैंने बढ़ाया था, मैंने क्या बताया था? A dot b cross c क्या होता है?
वो एबीसी से डिफाइन होने वाले पैरेलल पाइप का वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो उसमें ऑर्डर तो मैटर नहीं करता ना, एबीसी किसी भी ऑर्डर में ले लो, मैग्नीट्यूड तो वही सेम ही आता है, राइट। तो ठीक है, विच रिप्रेजेंट, तो दस रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ अ पैरेलल पाइप डिफाइंड बाय द थ्री वेक्टर्स। दस वी कैन ऑल्सो राइट पावर एज आर क्रॉस एफ डॉट ओमेगा भी लिख सकते हैं। ये तीन ही वेक्टर्स हैं, इनको आगे पीछे कर दो, डॉट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो इसको मैं आर क्रॉस एफ डॉट ओमेगा भी लिख ही सकती हूँ। और आर क्रॉस एफ डॉट ओमेगा क्या हो गया, ये टॉर्क डॉट ओमेगा हो गया, राइट। तो पावर क्या हो जाएगा, टॉर्क डॉट ओमेगा। तो फिक्स एक्सिस रोटेशन में हम क्या कह सकते हैं, उस व्हील के ऊपर किसी भी फोर्स का जो टॉर्क अगर मालूम है, तो टॉर्क का पावर क्या होता है, टाउ डॉट ओमेगा। जैसे एफ डॉट वी होता है, उसी तरह से टाउ डॉट ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना टाउ डॉट ओमेगा लिख लिया तो साथ में फिर एफ डॉट वी और ऐड मत करने लगना। सोच ये मत सोचना कि अच्छा उसके फोर्स का भी तो पावर होगा, एक तो टॉर्क का पावर लिख लिया, अभी फोर्स का भी तो पावर होगा। एक्चुअली फोर्स का ही पावर था, फिर टॉर्क बन गया वो, बात समझ आएगी नहीं। लिखा हमने फोर्स का ही पावर था, उसको ऐसे आड़े टेढ़े करके टर्म्स को शफल करके फिर मैंने टॉर्क का पावर बना दिया। तो ये मत सोचना ये भी लिखना और वो भी लिखना, वो भी तो होगा। अब वही है, एक्चुअली वही है जो इसके बराबर भी है, समझ में आई बात की नहीं। बेसिक मेरा फोर्स का ही पावर है, दैट हैपेंस टू सिंपलीफाई टू दिस, दैट्स ऑल, बात समझ आएगी नहीं, ठीक है। नोट दैट आर क्रॉस एफ इज द टॉर्क अबाउट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस, ठीक है। ये पॉइंट क्या अबाउट है, लेकिन डॉट ओमेगा कर दिया तो टॉर्क अबाउट एक्सिस बन गया। सोच के देखो, अगर फिक्स एक्सिस रोटेशन चल रहा है तो ओमेगा वेक्टर तो एक्सिस के अलोंग ही होगा। तो टॉर्क अबाउट एक्सिस और टॉर्क अबाउट पॉइंट में क्या रिलेशन था, एक्सिस के किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेके एक्सिस के यूनिट वेक्टर से हम डॉट प्रोडक्ट करते थे तो टॉर्क अबाउट एक्सिस बन जाता था। तो यहाँ पे क्या है, आर क्रॉस एफ तो एक्सिस के किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क है, लेकिन डॉट ओमेगा वेक्टर कर दिया तो यानी ओमेगा टाइम्स एन कैप कर दिया ना ये, और आर क्रॉस जब एफ डॉट एन कैप तो क्या हो गया तुम्हारा, वो तो एक्सिस के अबाउट ही टॉर्क हो गया, राइट। समझ में आई बात की नहीं। तो अगर एक्सिस के अबाउट टॉर्क लिखा है तो फिर बस ये डॉट प्रोडक्ट लिखने की जरूरत ही नहीं है, टाउ डॉट एन कैप तो ऑलरेडी ओमेगा के अलॉन्ग ही होगा, या तो ओमेगा के अलॉन्ग हो या ओमेगा के अगेंस्ट होगा। तो अकॉर्डिंगली ये क्या हो जाएगा, अगर कॉस 0 का फैक्टर है तो टाउ इंटू ओमेगा हो जाएगा, और अगर कॉस 180 का फैक्टर है तो माइनस टाउ ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। यही लिखा हुआ है, तो नोट दैट आर क्रॉस एफ इज टॉर्क अबाउट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस, हाउएवर ओमेगा वेक्टर इज अलॉन्ग द एक्सिस, सो कंपोनेंट ऑफ टॉर्क परपेंडिकुलर टू द एक्सिस वोंट मैटर इन द डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। टॉर्क का अगर कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू एक्सिस कुछ है भी तो उसका मतलब कुछ नहीं, डॉट प्रोडक्ट जीरो ही हो जाएगा ओमेगा वेक्टर के साथ, क्योंकि ओमेगा वेक्टर के साथ ही डॉट ले रहे हैं। व्हाट रियली मैटर्स इज टॉर्क अलोंग द एक्सिस, राइट। ऑल दैट मैटर्स इज द कंपोनेंट ऑफ टॉर्क अलोंग द एक्सिस। दस वी कैन आल्सो राइट पावर इन टर्म्स ऑफ टॉर्क अबाउट एक्सिस एज, पावर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस टाउ ओमेगा, प्लस माइनस साइन कॉमन सेंस से डिसाइड करोगे। अगर टॉर्क का सेंस और ओमेगा का सेंस सेम है तो प्लस साइन होगा, और टॉर्क उसी सेंस में और ओमेगा उसके ऑपोजिट सेंस में तो फिर माइनस साइन आ जाएगा, राइट। द साइन प्लस माइनस डिपेंड्स ऑन वेदर टाउ वेक्टर एंड ओमेगा वेक्टर आर पैरेलल और एंटी पैरेलल। एक्सिस के साथ में तो फिर या तो पैरेलल होगा ओमेगा के या एंटी पैरेलल होगा, और तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो देख लो एक बार ये सेक्शन, अगर कहीं डाउट है तो मेरे को बोल सकते हो, फिर आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास एक पुली है और इस पुली का मास 2m दे रखा है, ठीक है। ये ब्लॉक है जिसका मास m दे रखा है, फिर उसके बाद ये ब्लॉक है जिसका मास m दे रखा है, यहाँ पे एक और पुली है और ये पुली मासलेस है ये वाली, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को क्या दे रखा है, मेरे को फ्रिक्शन दे रखा है म्यू। तो यहाँ पे टॉर्क अबाउट एक्सिस इतना क्लियर नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पे ये जो फ्रिक्शन है इसकी आर्म क्या लेनी है, क्या ये पूरी मोटी होती तो कुछ और टॉर्क हो जाता, ठीक है। सीधे सीधे नहीं दिख रहा, लेकिन पावर में कहीं दिक्कत नहीं है, पावर डेवलप बड़े आराम से निकाल सकते हो। यहाँ पे क्या होगा, एक तो ग्रेविटी कुछ पावर डेवलप कर रही होगी, और यहाँ पे एक जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये भी पावर डेवलप कर रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स को नेगेटिव पावर डेवलप कर रहा होगा। टेंशन यहाँ पे भी मासलेस स्ट्रिंग, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, तो इंटरनल फोर्सेस का कोई पावर कुछ होगा इन सिस्टम में, बोल के राइट। टेंशन तुम्हें पता ना, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के अंदर पावर डेवलप जीरो ही होता है, और इंटर रिजिड बॉडी के इंटरनल फोर्सेस का पेयर का, कभी भी पेयर का वर्क देखते हो तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम होता है। तो टेंशन में इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के टेंशन में तुम्हें पता है कोई वर्क नहीं होता, ये चीज हम लोग देख चुके हैं पहले, वर्क में जब वर्क एनर्जी पावर पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन का पावर प्लस इसका पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेरे वो रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक। तो बस पावर डिवाइड बाय आई इफेक्टिव इनटू ओमेगा करना। आई इफेक्टिव के लिए क्या करोगे, सोच के देखो कि इसकी वेलोसिटी अगर रिम के पॉइंट की वेलोसिटी वी होगी तो इसकी वेलोसिटी 2v हो जाएगी, तो बात समझ आ रही कि नहीं। अगर इसके रिम के पॉइंट की वेलोसिटी v होगी तो सोच के देखो, या ऐसे देखो v होगा या v बाई 2 होगा वो देख लेते हैं। ये अगर एक यूनिट जाएगा तो ये ब्लॉक जो 2 यूनिट जाएगा, इधर नो, समझ में आई बात कि नहीं। तो अगर इसकी वेलोसिटी मेरी ओमेगा आर होगी तो इसकी वेलोसिटी ओमेगा आर बाई 2 होगी इनफैक्ट, राइट। ये बात समझ में आ रही कि नहीं, जस्ट वन सेकेंड। तो समझ में आया, तो ये इसकी अगर इसकी स्पीड v है तो इसकी v बाई 2 है, तो इट्स एज गुड एज कि इसके आधे रेडियस पे लगा हुआ, इज इट नॉट, इन अ वे।
क्योंकि इस वाले व्हील के आर बाई टू रेडियस पे वी बाई, अगर पेरिफेरी पे जो वेलोसिटी उसकी आधी वेलोसिटी होगी ना आर बाई टू पे, तो इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए कैसे बिहेव कर रहा है, जैसे कि इसके आर बाई टू पे लगा रखा हो। बात समझ आएगी नहीं, क्लियर है? और फिर फ्रिक्शन का पावर डेवलप और इसका पावर डेवलप, उसका सम क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो अभी इसको खुद से ट्राई करो अभी, लेट मी नो। हाँ अच्छा, डेटा मैंने पढ़ना पढ़ा नहीं था, अभी पढ़ देता हूँ डेटा, ध्यान से सुन लेना। डेटा क्या, कंसीडर द सिस्टम शोन इन द आर्टिस्ट फिगर हियर, द लेफ्ट पुली इज मासलेस, ये मासलेस है। फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द फिक्स्ड पुली, इट्स मास इज 2m एंड रेडियस इज r, पुलीज आर लाइक सॉलिड डिस्क, तो इसको सॉलिड डिस्क की तरह ट्रीट करना है, इसका रेडियस r है। ठीक है, अभी करो इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, क्या लिखा मैंने, इफ द फिक्स्ड पुली रोटेट्स बाय ओमेगा, ये ओमेगा से चलती है, तो लोअर ब्लॉक गोज बाय वेलोसिटी ओमेगा, ये ओमेगा आर से नीचे जाएगा। ठीक है, एंड अपर ब्लॉक गोज विद द वेलोसिटी ओमेगा आर बाई टू, राइट? तो ये ब्लॉक कैसे बिहेव कर रहा है, एज इफ इसके मिड पॉइंट से आर बाई टू डिस्टेंस पे, यानी इस पुली के एक्सल से आर बाई टू डिस्टेंस पे पार्टिकल, उसकी भी तो स्पीड ओमेगा आर बाई टू, तो ये कैसे बिहेव कर रहा है, ऐसे एज इफ इसके आर बाई टू पे लगा हुआ है, डज इट नॉट? और ये तो जैसे इसकी वेलोसिटी ओमेगा आर है, इसकी वेलोसिटी ओमेगा आर, तो ये ऐसे बिहेव कर रहा है यहाँ पे लगा हुआ। ठीक है, तो इसका तो इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ये तो डिस्क की तरह ट्रीट करना है, तो डिस्क का क्या होता है, हाफ एम आर स्क्वायर होता है, तो एम की जगह 2m, तो हाफ इंटू 2m इंटू आर स्क्वायर, ये इसका हो गया, और इसका क्या हो जाएगा, इसका एम आर स्क्वायर बाय 4, और इसका क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ गया, टोटल 9/4 एम आर स्क्वायर आ गया, राइट? इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब पावर क्या होगा, तो इस एम जी का पावर क्या हो जाएगा, एम जी इंटू ओमेगा आर, और इधर न्यू एम जी पीछे लग रहा होगा तुम्हारा, तो वो माइनस साइन समझ में आया ना क्यों आया, क्योंकि नेगेटिव पावर होगा फ्रिक्शन का, माइनस न्यू एम जी इंटू ओमेगा आर बाई टू, ये क्या हो गया, एम जी ओमेगा आर इंटू 1 माइनस न्यू बाई टू, ये मेरा पावर हो गया। अब अल्फा क्या होगा, पी डिवाइड बाई आई इफेक्टिव इंटू ओमेगा, तो ये मेरे पास एक झटके में इसका एंगुलर एक्टिवेशन हो गया। आया समझ में सभी को, क्लियर है? ठीक है, अच्छा इसके अंदर एक मैंने बात बोला है क्या, थिंक व्हाट इफ द लेफ्ट पुली वर आल्सो मासिव, यहाँ पे मैंने जान के लेफ्ट पुली को मासिव नहीं लिया था, मैंने मासलेस लिया था, नहीं तो इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखनी पड़ेगी, और ये पुली जो है घूम भी रही है और आगे भी बढ़ रही है, एंड इट इज नॉट अंडरगोइंग फिक्स एक्सिस रोटेशन एक्चुअली, है ना, इस पुली का फिक्स एक्सिस रोटेशन नहीं हो रहा है, लेकिन हम चाहें तो इसकी काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, थोड़ा सा ज्यादा बुद्धि खर्च होगी लेकिन लिख सकते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी। वो कैसे लिख सकते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी, तो देखना हमें पता है क्या होती है काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी सी एम स्क्वायर, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास होती है, राइट? तो इसका काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखना तो आसान ही है, क्योंकि इसके सेंटर की वेलोसिटी वही है जो इसकी वेलोसिटी, मान लो इसका भी मास एम होता, तो वो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास होता वो तो सीधे हाफ एम इनटू ओमेगा आर बाय टू का स्क्वायर लिख देते, यानी या फिर उस पर्पस से कह सकते हैं इसको वापस आर बाय टू पे रख देते पुली का जो भी मास है, लेकिन इसके अलावा ये पुली घूम भी रही है, तो इस पुली के घूमने की ओमेगा कितनी होती है वो सोचने वाली बात है। तो देखना ध्यान से, अगर इस पुली की ओमेगा मुझे निकालनी होती तो तुम्हें पता है ये पुली पे स्लिपिंग तो कुछ हो नहीं रही, रस्सी के इस पॉइंट की वेलोसिटी जीरो है, तो इस पॉइंट की भी वेलोसिटी जीरो है, यानी पुली के बॉटम मोस्ट पॉइंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, जीरो, और टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, इसकी ओमेगा आर है तो इसकी भी ओमेगा आर है, तो ये पुली के बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी जीरो, टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी कितनी, ओमेगा आर, राइट? और बॉटम मोस्ट के रिलेटेड टॉप मोस्ट पॉइंट की जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, वो हमें पता है ओमेगा इंटू ये डायमीटर के बराबर होगी। बात समझ आएगी नहीं, रिपीट करूं या बात समझ में आई, आई समझ में बात? मैंने बोला पुली के बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी जीरो, टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी ओमेगा आर, ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, बॉटम मोस्ट पॉइंट के रिलेटिव इसकी वेलोसिटी होगी ओमेगा आर। ठीक है, अब रिजिड बॉडी में हर पॉइंट के अबाउट सेम एंगुलर वेलोसिटी से घूमता हुआ दिखता है, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट के रिलेटिव टॉप मोस्ट पॉइंट भी सेम ओमेगा से घूमता हुआ दिख रहा होगा, और इसका डिस्टेंस कितना है, 2r, तो अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है 2r डिस्टेंस में, तो इस पुली का अगर मान लो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश है, ओमेगा डैश इनटू 2r शुड बी इक्वल टू ओमेगा आर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, रिलेटिव वेलोसिटी इज ओमेगा आर, और पुली का खुद का ओमेगा मैंने ओमेगा प्राइम माना, तो इसका मतलब क्या, ये पुली जो घूम रही होगी वो कितने से घूम रही होगी, ओमेगा बाय टू से घूम रही होगी, इज इट नॉट? ये पुली अगर ओमेगा से घूम रही है तो ये वाली पुली ओमेगा बाय टू से घूम रही होगी। बात समझ आई कि नहीं, तो इसके खुद के सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या हो जाएगा, खुद के सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर काइनेटिक एनर्जी लिखनी है तो सेंटर ऑफ मास पे इसके बैठ जाओ तो फिर क्या, ये तो फिक्स एक्सिस रोटेशन कर रहा है सेंटर ऑफ मास के रिलेटेड, तो क्या हो जाएगा, हाफ आई इंटू ओमेगा डैश का स्क्वायर, राइट? तो एक वो टर्म और आ जाता है, और इसका समझ में आई बात, के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट मेक श्योर टू अंडरस्टैंड दिस, ऑल दो ये आइडिया नेक्स्ट वीक के सिलेबस में है, मतलब ये पुली को रोलिंग बॉडी की तरह से ट्रीट कर सकते हैं, रोलिंग इज नॉट इन द फर्स्ट, आई मीन सेकंड वीक के सिलेबस में अभी हम लोग चल रहे हैं, थर्ड वीक के सिलेबस में रोलिंग है, बट ऐसा नहीं कि जो एक्सेसिबल नहीं अभी तुम्हारे लिए, जितनी इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे इस पुली की भी काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो। एक बार फिर भी रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा नया आइडिया दूंगा उनके लिए, तो धीरे धीरे करके रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो।
रिजिड बॉडी में हर पार्टिकल के अबाउट सेम एंगुलर वेलोसिटी दिखती है। ये आइडिया मैं डिस्कस कर चुका हूं, याद करो मैंने पेंसिल को घुमा के दिखाया था तुम्हें एक क्लास में, राइट। तो इस पुली का कुछ भी ओमेगा है वो मैं निकालने में इंटरेस्टेड हूं, तो वो कैसे निकाल सकता हूं? मेरे लिए कन्वीनियंट पॉइंट है, टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी पता है और मुझे बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी पता है। इस पुली के बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी जीरो है, क्यों? ये धागे के हर पॉइंट की वेलोसिटी जीरो है और स्लिपिंग नहीं हो रही, तो तुम्हें पता है स्लिपिंग का मतलब होता है कि सेम स्पीड होनी चाहिए, तो धागे के पॉइंट्स की जीरो वेलोसिटी है, तो इसका मतलब इस पुली के भी बॉटम मोस्ट पॉइंट की जीरो वेलोसिटी है इंस्टेंट पे, राइट। और धागे के ऊपर वाले पॉइंट्स की वेलोसिटी ओमेगा आर है, इसलिए पुली के टॉप मोस्ट पॉइंट की भी वेलोसिटी ओमेगा आर है। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी जीरो, टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी ओमेगा आर, तो टॉप मोस्ट पॉइंट की बॉटम मोस्ट पॉइंट के रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आर माइनस जीरो, यानी कि ओमेगा आर, दिस मच शुड बी सेटल्ड, राइट। और दो पार्टिकल्स की जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी एक दूसरे के रिलेटिव क्या होगा? रिजिड बॉडी में एक पॉइंट के फ्रेम से दूसरे पॉइंट का लोकस सर्कल होता है, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट के फ्रेम से टॉप मोस्ट पॉइंट एक सर्कल में जा रहा होगा, इज इट नॉट? कितने रेडियस में? 2r रेडियस के सर्कल में जा रहा होगा। बात समझ आएगी नहीं? फ्रॉम द फ्रेम ऑफ द बॉटम मोस्ट पॉइंट टॉप मोस्ट पॉइंट इज गोइंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2r, अगर इस पुली का रेडियस r मानता हूं तो। इसका मतलब क्या? बॉटम मोस्ट पॉइंट के रिलेटिव 2r रेडियस पे कोई पार्टिकल चल रहा है कितनी स्पीड से? ओमेगा r स्पीड से चल रहा है। तो मान लो इस पुली का खुद का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश है, तो अगर कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है बॉडी ओमेगा डैश से सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो किसी भी पॉइंट का r डिस्टेंस पे स्पीड क्या होगी? ओमेगा डैश इनटू r, 2r डिस्टेंस पे क्या होगी? ओमेगा डैश इनटू 2r। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट के फ्रेम से टॉप मोस्ट पॉइंट की स्पीड क्या हो जाएगी? ओमेगा डैश इनटू 2r हो जाएगी, व्हिच इज इक्वल टू ओमेगा। तो इससे मुझे क्या समझ में आया? ओमेगा डैश मेरा क्या हो जाएगा? ओमेगा बाय 2। डिड इट मेक सेंस? तो इस पुली का खुद का एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ओमेगा बाय 2 हो जाएगा, पुली का खुद का एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब पुली का खुद का एंगुलर वेलोसिटी पता है, पुली के सेंटर मास की वेलोसिटी तो यही ओमेगा आर बाई टू है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है किसी भी आर्बिट्री सिस्टम के लिए? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए? काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी एज सीन फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। तो रिजिड बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी पता चल गई ना, तुम बोलोगे बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट पता चली, सर सेंटर के अबाउट कहां पता चली? लेकिन हर पॉइंट की अबाउट सेम ही होती है ना, तो जो बॉटम मोस्ट पॉइंट के रिलेटिव टॉप मोस्ट पॉइंट की पता चल गई, वही हर पॉइंट की अबाउट है। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी पूरी की पूरी पुली जो ओमेगा डैश से घूमती हुई दिख रही है, राइट। और इसके सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाए तो पूरी की पूरी पुली सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी घूमती हुई दिख रही है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या दिखेगी सीएम फ्रेम से? हाफ इनटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस इनटू ओमेगा डैश का स्क्वायर, तो वो तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, राइट, सेंटर ऑफ मास फ्रेम से। और सेंटर ऑफ मास की खुद की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ट्रांसलेट कर रही है ओमेगा आर बाई टू से, हाफ इनटू ओमेगा आर बाई टू का स्क्वायर, मास इनटू ओमेगा आर बाई टू का स्क्वायर। समझ में आई बात के लिए? तो इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी ओमेगा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल फैक्टर से लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे? और एक बार वो लिख लिया हमने काइनेटिक एनर्जी ओमेगा स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनलिटी पता चल गई, तो फिर इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चली जाएगा उसका भी। बात समझ आएगी नहीं? ठीक है, थोड़ा सा इन्वॉल्व आइडिया, बट समझने की कोशिश करोगे तो आएगा समझ में। अगर नहीं समझ में आया तो आई विल रिपीट वंस मोर, ठीक है। एक बार थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश करना, मैं रीड कर देता हूँ, फिर भी अगर डाउट होगा तो आई विल रिपीट वंस अगेन, ठीक है, लेट मी नो। तो पढ़ देता हूँ अभी क्या लिखा। थिंक व्हाट इज द लेफ्ट पुली वर ऑल्सो मैसिव। क्या लिखा मैंने? वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम इज हाफ एम वी सी एम स्क्वायर प्लस के नॉट, वेयर के नॉट इज द एनर्जी एज सीन फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। ये तो फॉर्मूला प्रूव किया था ना सेंटर ऑफ मास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए, राइट। फ्रॉम सी एम पुली वुड अपीयर टू बी इन फिक्स एक्सिस रोटेशन। सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाऊंगा तो पूरी पुली सेंटर ऑफ मास की बॉडी घूमती हुई दिखेगी, राइट, ठीक है, फिक्स एक्सिस रोटेशन दिखेगा। इफ इट्स रेडियस वर स्मॉल आर इट्स एंगुलर वेलोसिटी वुड बी वी टॉप माइनस वी बॉटम डिवाइडेड बाई 2r। ये क्यों? क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट की रिलेटिव टू द बॉटम क्या वेलोसिटी होगी? वी टॉप माइनस वी बॉटम होगी, और डिस्टेंस क्या? 2r। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या दिखेगी सर्कुलर मोशन में? तो डिस्टेंस इनटू एंगुलर वेलोसिटी यही दिखेगी, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वी टॉप माइनस वी बॉटम डिवाइडेड बाई 2r। समझ में आई होगी बात? सिंस द टॉप मोस्ट पॉइंट विल अपीयर टू बी रोटेटिंग अबाउट द बॉटम मोस्ट पॉइंट विद एन एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू दैट ऑफ द पुली। तो पुली की एंगुलर वेलोसिटी उसी एंगुलर वेलोसिटी से हर पॉइंट के अबाउट घूमता दिख रहा है, ठीक है। दस इफ ओमेगा प्राइम इज एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा प्राइम क्या हो जाएगा मेरा? ओमेगा आर माइनस जीरो डिवाइड बाई ट्वाइस स्मॉल आर। ये स्मॉल आर कैपिटल आर सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, तो ज्योमेट्री की बातें देना पड़ेगा उनको, ठीक है। बट समझ में आई बात की नहीं? एक बार ओमेगा प्राइम निकल गई तो उसकी काइनेटिक एनर्जी लिख पाएंगे हाफ एम वी सी एम स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी एज सीन फ्रॉम सेम, जो कि फिक्स एक्सिस रोटेशन दिख रहा है, ठीक है। तो फिर निकल जाएगा ना इसका फिर इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके बाद फिर रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर इज सेम। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। नहीं क्लियर है तो दो मिनट सोचो, फिर भी कुछ डिस्कशन पॉइंट है तो आई विल टॉक अबाउट इट वंस मोर, ठीक है, बता देना। इसके बाद हम लोग अगले आइडिया पे चलते हैं, दैट इज एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस।
तो याद करो मैंने एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट डिफाइन किया था, कैसे, आर क्रॉस पी करके डिफाइन किया था ना मैंने, टाउ इज इक्वल टू डीएल बाय डीटी भी प्रूव किया था, ये सब जब स्टैटिक्स पढ़ रहे थे तभी मैंने प्रूव कर दिया था, ताकि मैं स्टैटिक्स के फॉर्मूले डराइव कर सकूं ढंग से, नहीं? तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट तो मेरा आर क्रॉस पी था, फिर मैंने टॉर्क अबाउट अ पॉइंट भी डिफाइन किया था और टॉर्क अबाउट एक्सिस भी डिफाइन किया था। सो टॉर्क अबाउट एक्सिस कैसे डिफाइन किया था मैंने, टॉर्क अबाउट अ पॉइंट का कॉम्पोनेंट अलॉन्ग द एक्सिस, दैट वॉज टॉर्क अबाउट एक्सिस, राइट? याद आ रहा है कि नहीं, बोलो। तो बिल्कुल जैसे टॉर्क अबाउट एक्सिस मैंने डिफाइन किया था, बिल्कुल उसी के पैरेलल एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस डिफाइन कर सकते। क्या करो, उस एक्सिस के किसी भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम ले लो, और जो भी एंगुलर मोमेंटम पॉइंट के अबाउट आता है उसको मैं एक्सिस के यूनिट वेक्टर से डॉट कर दूंगा, तो मेरा एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस हो जाएगा। ये डेफिनेशन है, समझ गए? इसका प्रूफ वगैरह कुछ नहीं, दिस इज हाउ वी डिफाइन एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस। पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आर क्रॉस पी, जैसे टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, ऐसे पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आर क्रॉस पी या फिर आर क्रॉस एम जी बोल सकते हो, क्योंकि लीनियर मोमेंटम मेरा एम जी होता है, राइट? तो बस उसको एक्सिस के यूनिट वेक्टर से डॉट कर दो और फिर साथ बाहर में एन कैप लगा दो तो वो एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस हो जाएगा। तो क्या लिखा पढ़ लेते हैं एक बार जरा। तो जस्ट एज वी डिस्टिंग्विश बिटवीन द टॉर्क अबाउट अ पॉइंट एंड टॉर्क अबाउट एन एक्सिस, इन द सेम मैनर वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस। द एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस इज सिंपली द कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस अलोंग द एक्सिस, यानी उस एक्सिस के किसी भी पॉइंट, जैसे मान लो ये कोई पॉइंट ओ है, तो इस पॉइंट के अबाउट ये मान लो कोई पार्टिकल है सर्कल में से जा रहा है लेटर से, ठीक है? तो इसका कुछ तो लीनियर मोमेंटम है, लेटर से पीस का लीनियर मोमेंटम है, तो इस पॉइंट के अबाउट आर क्रॉस पीस का एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। जो भी एंगुलर मोमेंटम आ रहा है उसको मैं क्या करूं, एक्सिस के यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर दूं, तो वो क्या कहलाएगा, वो इसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस कहलाएगा। समझ गए, ये डेफिनेशन है हम लोगों की, ठीक है? इसका प्रूफ कुछ नहीं, दिस इज हाउ वी डिफाइन इट, राइट? तो क्या लिखा, दस इफ एन कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एन एक्सिस एंड आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल रिलेटेड टू अ पॉइंट ऑन द एक्सिस, देन इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस इज सिंपली एल, क्या हो जाएगा, आर क्रॉस पी डॉट एन कैप होल एन कैप। जैसे वहां पे क्या था, आर क्रॉस एफ डॉट एन कैप होल एन कैप था ना एक्सिस के टॉप, तो यहाँ पे क्या है, आर क्रॉस पी यानी लीनियर मोमेंटम डॉट एन कैप होल एन कैप। मैग्नीट्यूड वाइज वी कैन राइट एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस इज एल इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर टाइम्स पी या फिर आर टाइम्स पी परपेंडिकुलर। तो ये भी बिल्कुल वैसी बात है, याद करो हमने टॉर्क के लिए क्या बोला था, टॉर्क के लिए बोला था हमने खाली स्क्यू परपेंडिकुलर कंपोनेंट मैटर करता है, राइट? इंटरसेक्टिंग कंपोनेंट मैटर नहीं करता, पैरेलल कंपोनेंट मैटर नहीं करता, वो ऑल दैट मैटर्स इज द स्क्यू परपेंडिकुलर कंपोनेंट। इसी तरह से अगर मान लो ये कोई एक्सिस है और कोई पार्टिकल स्पेस में किसी तरफ भागा जा रहा है टी मोमेंटम से, तो इसके मोमेंटम के फिर कॉम्पोनेंट्स ले सकते हो। इसके मोमेंटम का एक तो इसके प्लेन में आएगा, यानी एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन में कुछ मोमेंटम का कॉम्पोनेंट आएगा और कुछ एक्सिस के पैरेलल कंपोनेंट आएगा। जो पैरेलल कंपोनेंट होगा उसकी वजह से एक्सिस के अलोंग एंगुलर मोमेंटम जीरो होगा, जैसे टॉर्क जीरो होता था बिल्कुल उसी के पैरेलल लॉजिक से इसका एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम जीरो होगा पैरेलल कंपोनेंट की वजह से, ठीक है? इसी तरह से इंटरसेक्टिंग कंपोनेंट की वजह से भी जीरो होगा एंगुलर मोमेंटम, ऑल दैट मैटर्स इज द स्क्यू परपेंडिकुलर कंपोनेंट। लॉजिक बिल्कुल टॉर्क वाला लॉजिक है, ठीक है? टॉर्क के लिए जैसे हमने प्रूव किया था, राइट? आई बात समझ में नहीं, ठीक है? अगर ये चीज बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो तो एक बार मैं सजेस्ट करूंगा कि टॉर्क वाला लेक्चर रिविजिट करो थोड़ा। टॉर्क के टाइम पे मैंने बहुत अच्छे से विजुलाइज कराया था 3D में, लॉजिक बिल्कुल उसी तरह से, बस यहाँ पे फोर्स की जगह वेक्टर चेंज हो गया, ठीक है? वहां पे एफ सिंबल के साथ जो काम कर रहे थे वही यहाँ पे पी सिंबल के साथ कर रहे थे, बट डेफिनेशन एकदम क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने इसको बहुत ग्राफिकली भी दिखाया नहीं है, बट ये बिल्कुल वैसी बात लिख दी है जैसे स्क्यू परपेंडिकुलर कॉम्पोनेट, जैसे वहां पे मैटर करता था यहाँ पे भी, यहाँ लीनियर मोमेंटम का स्क्यू परपेंडिकुलर कॉम्पोनेट मैटर करेगा। एक्सिस के स्क्यू परपेंडिकुलर समझते हो ऐसे वाला कॉम्पोनेट, दिस इज कॉल्ड द स्क्यू परपेंडिकुलर, ओके? तो r परपेंडिकुलर टाइम्स p या फिर r टाइम्स p परपेंडिकुलर, यहाँ पे वहां पे क्या था, r r परपेंडिकुलर टाइम्स f या फिर r टाइम्स f परपेंडिकुलर उन पे था, उसी तरह की बात यहाँ पर भी। जस्ट एज वी डिड फॉर द टॉर्क, हियर r परपेंडिकुलर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ मोशन फ्रॉम द एक्सिस। मोमेंटम की लाइन मतलब बेसिकली जो वेलोसिटी की लाइन होगी वही मोमेंटम की लाइन होगी, राइट? तो लाइन ऑफ मोमेंटम बोलो या लाइन ऑफ वेलोसिटी बोलो एक ही बात है। तो लाइन ऑफ वेलोसिटी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए इनटू मोमेंटम, वो मेरा एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस हो जाएगा, ठीक है? वन कैन रेडली इन्फर वाई आर क्रॉस पी डॉट एन कैप विल बी आर परपेंडिकुलर टाइम्स पी फ्रॉम द एडजेसेंट फिगर। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आर क्रॉस पी डॉट एन कैप करोगे या आर परपेंडिकुलर टाइम्स क्रॉस पी करोगे वो एक ही बात होगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पॉइंट मैटर नहीं कर रहा, चाहे सी के अबाउट निकालो या ओ के अबाउट निकालो, और ये जो है बेसिकली डायरेक्टली परपेंडिकुलर ही ड्रॉ किया हुआ जो सी पॉइंट है ऐसे एक्सिस पे, ठीक है? तो ये क्यों बराबर होंगे वो मैं प्रूफ करने वाला हूँ। क्या प्रूफ करने जा रहा हूँ कि आर क्रॉस पी डॉट एन कैप इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी नथिंग बट आर परपेंडिकुलर टाइम्स पी। यहाँ पे वेक्टर साइन मैंने नहीं लगाया, मैंने ये बोल दिया कि इसके बस बराबर ही हो जाएगा आर परपेंडिकुलर टाइम्स पी के बराबर, राइट? तो ऐसा क्यों होगा वो मैं बता रहा हूँ। तो देखो
ओपी, ये मेरा ओपी वेक्टर है, ठीक है, ओपी क्रॉस मोमेंटम वेक्टर डॉट के गैप, एक्सिस मेरा के गैप के होंगे, तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ओपी के साथ क्रॉस कर रहा हूँ, तो ओपी के अनुरूप ओसी प्लस सीपी ऐसा लिख सकता हूँ ना, ओपी को क्या लिखा, ओसी प्लस सीपी क्रॉस पी डॉट के गैप लिख दिया, राइट। अब तुमको पता है क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट सब डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं, राइट, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, ओसी क्रॉस पी डॉट के कैप प्लस सीपी क्रॉस पी डॉट के कैप लिख दिया, राइट। अब OC क्रॉस P डॉट K गैप क्या होएगा, देखो तो OC क्रॉस P जो है, OC क्रॉस मोमेंटम, OC वेक्टर एक्सिस के अलोंग है, तो OC क्रॉस P जो पक्का एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो उसका अगर K गैप से डॉट लूंगा तो ये पक्का जीरो हो जाएगा, राइट। बचेगा क्या, CP क्रॉस P डॉट K गैप बचेगा, तो बस यही मेरे को प्रूव करना था, ठीक है। इससे ये भी समझ में आता है कि हमें फर्क नहीं पड़ता एक्सिस के किस पॉइंट को हम यूज करके एक्सिस के रैंडम निकाल रहे हैं, जैसे टॉर्क के लिए मैंने ये बात बोली थी ना कि एक्सिस के आर्बिट्री पॉइंट के बाद टॉर्क निकाल के डॉट प्रोडक्ट कर दो, एक्सिस के यूनिट वेक्टर से फर्क नहीं पड़ता, चॉइस ऑफ पॉइंट डज नॉट मैटर। इसी तरह से एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस के लिए चॉइस ऑफ पॉइंट डज नॉट मैटर, किसी भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल के एक्सिस से जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो वो सेम आ जाएगा, ठीक है। हाँ, एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट इटसेल्फ विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पॉइंट्स, बट वंस यू टेक डॉट प्रोडक्ट विद द एक्सिस इट विल बिकम द सेम नंबर, ठीक है, ओके। तो OC क्रॉस P परपेंडिकुलर है, फर्स्ट टर्म हियर गोज टू जीरो, ये जीरो हो गया, तो अब क्या है इसका अंदर R परपेंडिकुलर क्रॉस P रहेगा, मेरा समझ में आई बात के लिए, ठीक है। तो बस मोमेंटम की लाइन से स्क्यू परपेंडिकुलर बस ड्रॉ कर दो ऐसे अगर, ठीक है, समझ गए, उसका स्क्यू परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट ले लो और फिर डिस्टेंस इंटू स्क्यू परपेंडिकुलर मोमेंटम, बस वही हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम, राइट। अब क्या लिखा है इसके बाद, इवन दो एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी फॉर 2D रोटेशन वी विल बी एबल टू ट्रीट इट लाइक अ साइन स्केलर डिपेंडिंग ऑन वेदर इट सेंसेस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। वैसे तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली आई जे के में वेक्टर है, लेकिन क्या हम एंगुलर मोमेंटम को भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कंसिडर कर पाएंगे, जैसे सोचो मेरा ऐसे एक्सिस है और कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तो एक्सिस से पार्टिकल को जोड़ने वाली लाइन, सोचो पार्टिकल जैसे मूव कर रहा है तो ये लाइन ऐसे ऐसे करके घूम रही है, कैसे घूमती जा रही है ये लाइन एंटी क्लॉकवाइज घूमते जा रही है, राइट। तो इस तरह से हम लोग मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम को हम एंटी क्लॉक वाइज या क्लॉक वाइज हम क्या पाएंगे, ये भी तरह की बात है, जैसे कोई बॉडीज या तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहे हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहे हैं, तो हमेशा हम आई कैप नहीं लिखते, हम सीधे फोर्स प्लस 5 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन हर जगह आई कैप नहीं लगाते हैं, एक्सीलरेशन प्लस 5 मीटर पर सेकंड माइनस 5 मीटर पर सेकंड। इसी तरह से जो टॉर्क है हमारा क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज, तो पॉजिटिव नेगेटिव खाली बोल देंगे, हमेशा आई जे के नहीं लगाएंगे, समझ गए। टॉर्क को दो तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, या तो हम उसके सेंस ऑफ रोटेशन से डिस्क्राइब कर सकते हैं, या फिर सेंस ऑफ रोटेशन में फिंगर को कर्ल करें तो थंब जिस तरफ पॉइंट कर रहा है तो टॉर्क वेक्टर थंब की डायरेक्शन में होता है और टॉर्क का सेंस फिंगर्स कर्ल करने से, समझ गए कि नहीं। तो जिस तरफ भी टॉर्क वेक्टर आया उसके लॉन्ग थंब करो, कर्ल ऑफ फिंगर से पता चलेगा उसका सेंस क्या घुमाने का। तो इसलिए जब 2D रोटेशन की बात आएगी तो हमारे एक्सिस हमेशा परपेंडिकुलर टू द पेज होंगे ज्यादातर, तो उस केस में क्या होगा, तो क्लॉक वाइज टॉर्क होगा एंटी क्लॉक वाइज टॉर्क होगा, बात समझ आएगी नहीं, ठीक है। तो उसको हम साइन स्केलर की तरह हम लोग ट्रीट कर पाएंगे, ठीक है। तो एक बार इसको अच्छे से पढ़ लो, ये सेक्शन थोड़ा सा इन्वॉल्व है, कहीं पे डाउट है तो मेरे को बोल दो। ऑल राइट, तो कुछ हमने आइडियाज आज सीखे नए, कुछ कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज थे, स्पेशली एंगुलर मोमेंटम वाला जो आइडिया है, इसको मैं चाहूंगा कि टॉर्क, जब टॉर्क अबाउट एन एक्सिस की बात की थी ना, तो वही सारे आइडियाज एक बार फिर से पढ़ो, तो एंगुलर मोमेंटम तुमको आराम से समझ में आएगा कि क्या बात कर रहा हूँ क्यों कर। वैसे कुछ कुछ तो पल्ले पड़ ही रहा होगा, बट एक बार मैं कहूंगा जो टाउ इज इक्वल टू डीएल बाय डीटी, जैसे मैंने प्रूव किया था स्टैटिक्स के पहले ही प्रूव किया था टाउ इज इक्वल टू डीएल बाय डीटी, और वहीं पे टॉर्क अबाउट एक्सिस की बात की थी, एक बार उसको दोबारा पढ़ लेनी उन नोट्स को, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, इसके बाद फिर टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में रिलेशन ड्राइव करेंगे अबाउट एन एक्सिस, इनफैक्ट पॉइंट के अबाउट ऑलरेडी ड्राइव कर चुके टाउ इज इक्वल टू डीएल बाय डीटी, अभी मैं एक्सिस के अबाउट बात करूंगा, फिर रिजिड बॉडी के लिए बात करूंगा फिक्स एक्सिस रोटेशन में, एक इक्वेशन प्रूव करूंगा टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा वाली, और उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। फिक्स एक्सिस रोटेशन में बहुत ज्यादा आइडियाज नहीं है, उसके बाद बस कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ये खत्म करने के बाद देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट विल बी योर दिस थिंग बेसिकली मूविंग एक्सिस रोटेशन, यानी जनरल प्लेन मोशन हम कहें, रोलिंग हो गया, स्लिपिंग हो गया, जनरल प्लेन मोशन की बात करेंगे, ठीक है। ऑल राइट, सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास, स्टॉप देयर, थैंक यू।